हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेटेड वीडियो होगी, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी पीजीआई की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले पीजीआई के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आई थी और उसका जो एग्ज़ाम था वो भी करवाया गया था, उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन कल एक अच्छी बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है किसकी तरफ से, पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से। और पीजीआई के अंदर क्या है, एक वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, इनकी नर्सिंग ऑफिसर की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। अगर जो कैंडिडेट ने पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम दिया था तो वो कैंडिडेट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे, क्योंकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसके अंदर। और जो वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट आए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से 4 जुलाई को जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की गई थी, जिसमें प्रोविजनल यहाँ पर रिजल्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, जो वैकेंसीज थी उस वैकेंसी का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, देख लीजिएगा यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अंदर प्रोविजनल सिलेक्टेड या वेटिंग लिस्ट जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हुए हैं किसके पद पर, नर्सिंग ऑफिसर्स के पद पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको किस प्रकार से इस पीडीएफ के अंदर आपको सर्च करना है। या तो आप क्या कर सकते हैं, रोल नंबर के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर जो अपना नेम है अपना नेम भी इसके अंदर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको दिखाई गई है कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो भी जिन भी कैंडिडेटों ने क्या किया था, जो एग्ज़ाम दिया था, वो कैंडिडेट क्या करें, इस वैकेंसीज़ को लास्ट तक देखते रहें या फिर जरूर देख अपना नाम जरूर चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है इस वेटिंग लिस्ट के अंदर आपका भी नाम आ गया हो। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं कि नर्सिंग ऑफिसर्स के पद पर आपके जो VA हैं वो सिलेक्शन हुआ है। द कैंडिडेट आर टू ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल, जो कैंडिडेट है अपने क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट साथ लेके आए, जो वेरिफिकेशन डेट टाइम जो मेंशन दिया गया है उस डेट टाइम के ऊपर अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कैंडिडेट जरूर करवाएं। यानी कि 10 जुलाई को आपको क्या करना है, अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवाने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाने पड़ेंगे, जिसमें क्या हुआ है ओरिजिनल 10वीं 12वीं की मार्कशीट DMC एंड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग जो भी कैंडिडेटों ने कर रखा है, तो वो सारे जो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिएंगे। ठीक है, या फिर आपने GNM कर रखा है तो GNM वाले कैंडिडेट, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, ज़रूर इस वैकेंसी को अप्लाई किए हैं तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो होगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और अपना जो CBT टेस्ट हुआ था उसका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है। अगर कोई कैंडिडेट पहले से किसी तरह जॉब में है, यानी कि इसमें नोट दिया हुआ कि जो कैंडिडेट पहले से अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो कैंडिडेट अपनी NOC ज़रूर करवा ले, क्योंकि NOC करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, जब आप एक न्यू ज्वाइनिंग लेते हो गवर्नमेंट के अंदर तो आपकी जो पुरानी है तो उसकी NOC कराना या NOC लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें ये दिया हुआ है कि फर्दर इंक्वायरी कैंडिडेट कॉन्टैक्ट द ऑफिशियल जो सुप्रिटेंडेंट है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर है उनसे भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं PGIMR चंडीगढ़ के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आपके फ़ोन नंबर दिए गए हैं, अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो वो क्या करें, विजिट करें, या फिर इन कॉल पर आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आया नहीं है। जो भी कैंडिडेटों ने नाम नहीं देखा है वो जाके अपना नाम जरूर देख ले। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को ऑन कर दें, जैसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।